मंगलवार को निर्जला एकादशी पर्व मनाया गया। इस पर्व पर भगवान श्री हरि का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पृथ्वीलोक पर उन्हें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी पर घरों तथा मंदिरों में विधि विधान से पूजन किया गया। इस व्रत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंडित बताते हैं, आम का मटके का दान होता है, इससे ज़्यादा पुण्य मिलता है और सुख शांति रहती है, पूरा साल अच्छा लगता है। और जिनसे वो संकल्प करना चाहिए, जिन जल ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण करना हो तो 12 आपने शाम को 6 बजे बाद है ना, इससे करना सुख शांति, निर्जल जल रह सके तो 24 घंटा रहो, नहीं तो 12 घंटा तो रहना चाहिए, ऐसा है। और नहीं रह सके तो फरियाल कर सकते हैं, कोई अपने अपनी शक्ति। निर्जला का उपवास क्यों रखा जाता है? निर्जला का उपवास क्यों रखा जाता है? निर्जला तो इसलिए वो भीमसेन ने इसकी एकादशी करी का 12 महीने की एकादशी का पुण्य एक दिन मिल जाता है। शहर कांग्रेस को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष महन कटारिया बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। मंगलवार को अध्यक्ष ने अपने निवास पर बैठक कर कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महन कटारिया ने बताया, सभी वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेकर संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हम लोगों ने अभी पिछले दिनों एक संक्षिप्त मुहिम चलाई है। पहले हम ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग संपादित करी, उसके बाद जितने मोर्चा संगठन थे हमारे, यूथ कांग्रेस, NSU सभी की मीटिंग संपादित करी है। उसके पश्चात हमने आज ये IT सेल और हमारे दिल्ली जो भी प्रकोष्ठ पिछड़ा प्रकोष्ठ, इनकी टुकड़े मीटिंग कर रहे हैं और हर जगह हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग उनको मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं, कैसे कांग्रेस की नई रणनीति बनाई जाए, कैसे हम लोग आगे बढ़े, इस बात पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और आपस में सबके सुझाव दे रहे हैं ताकि कांग्रेस का संगठन हमारा मजबूत रहे और आगे ताकत से हम आगे कार्य कर सकें। लोहार रोड क्षेत्र को दूसरी बार कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। इस क्षेत्र को पहली बार पहला कंटेनमेंट एरिया अप्रैल माह में बनाया गया था। सोमवार को इस क्षेत्र के 70 वर्षीय नमक व्यापारी की शाम को मौत हो गई थी। रात में मेडिकल कॉलेज से मिली रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। देर रात कलेक्टर रुचिका चौहान, ADM जमुना भिड़े अमले के साथ मौके पर पहुंची थी। वहीं पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज करवा कर कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। यहां स्वास्थ्य विभाग मृत व्यापारी के संपर्क में कौन कौन रहे उनकी तलाश में जुटा है। क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अब तक शहर में 38 संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 31 लोगों ने यह जंग जीती है। वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मायके से 2 साल बाद बेटे के मान के लिए पिता के साथ ससुराल पहुंची पत्नी की पति ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बेटे के आक्रोश को जब शांत करने मां बीच बचाव करने आई तो बेटे ने मां लक्ष्मीबाई के साथ भी मारपीट की। धामनोद निवासी आरोपी गोपाल की 12 साल पहले मधु के साथ शादी हुई थी। मारपीट से परेशान मधु अपने दोनों बच्चों को लेकर ससुराल चले गई थी। पत्नी पर हमला करने का शोर सुनकर आए पड़ोसियों ने गोपाल को कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को मृतिका पत्नी मधु का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। मामले की जानकारी देते हुए मृतिका के परिजनों ने बताया, उनके सर वो पुराने विवाह चल रहे थे 2-3-4 महीने से, तो उसके अभी उनके बच्चे की मानत थी, तो 8 दिन पहले ही मैंने समझौता करा थाने में बैठ के, तो उन्होंने गोपाल ने बोला चलो ठीक है यार, आ रही था आंदोलन कार्यक्रम वगैरह करेंगे और आजाद कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को, तो फिर अभी थाना दोबारा हमने कार्रवाई करके ना उसको भेजी थी, 2 दिन रही वो वहाँ, फिर उसके बच्चे की मन्नत थी तो वो बोली कि मैं अब जाऊँ राशन पानी वगैरह लेके आ गई, यहाँ ने उनके पिताजी आए थे छोड़ने कल शाम को 5 बजे से, उसको छोड़ के घर जैसे छोड़ के ना उसके जेठ के यहाँ छोड़ के न वो रोड पर गए, धामनोद रोड पर गए, टंकी के पास में ना उसकी भाणेज का फोन आ गया, बोले दादाजी कहाँ हो के, मम्मी के तो कोराड़ी की दी, पापा ने तो मम्मी को मार दी। इस मामले में पुलिस ने बताया, इसमें एक धामनोद का गोपाल है, उसने उसकी पत्नी मधु के साथ मारपीट करी और उसके पिताजी ने रिपोर्ट लिखा कि उसको कुल्हाड़ी से मारपीट करी, जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया और मृतिका का पोस्टमार्टम कराकर उसके शव को उसके पिताजी के सुपुर्द किया गया। ऑफिसर कॉलोनी से शेरानीपुरा जमात खाना के सामने से गुजर रही सड़क को सुधारने की मांग को लेकर आज क्षेत्र के रहवासी सड़क पर आ गए।
सड़क सुधारने की मांग को लेकर रहवासी सड़क पर ही बैठ गए। नगर निगम द्वारा शहर में सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई की गई थी। इनमें से एक सड़क शेरानीपुरा जमात खाने के सामने से होकर गुजरने वाली सड़क है, जो इस सड़क पर 6 माह पूर्व खुदाई कर सीवरेज लाइन डाली गई थी। इसके बाद सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पूरी तरह से उखड़ गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अब बारिश में पूरी सड़क कीचड़मय हो जाएगी। वर्तमान परेशानी और बारिश में होने वाली परेशानी को देखते हुए नागरिकों में आक्रोश छा गया। नागरिकों ने सड़क निर्माण की कई बार नगर निगम से मांग की थी, लेकिन निगम ने कोई सुनवाई नहीं की। आक्रोशित नागरिक आज सड़क सुधारने की मांग को लेकर सड़क पर ही बैठ गए। करीब आधे घंटे तक नागरिक सड़क पर बैठे रहे। नागरिकों का नेतृत्व कांग्रेस नेत्री यशवंत सिरानी कर रही थी। सूचना मिलने पर नगर निगम के सिटी इंजीनियर सुरेश व्यास मौके पर पहुंचे, नागरिकों को समझाया और सड़क शीघ्र सुधारने का आश्वासन दिया। तब नागरिक माने और सड़क पर से उठे। सड़क पर नागरिकों के बैठ जाने से यातायात भी बाधित हुआ था। हम 6 महीने पहले इस रोड का सीवरेज का काम हुआ था और 6 महीने से धूल मट्टी में यहाँ की जनता जी रही है और बार बार नगर निगम और जो नगर निगम की प्रशासक है कलेक्टर महोदया को भी हमने बार बार अवगत कराया और 2 बार मैं लेटर दे चुकी हूँ। और उस जब मेरा पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल नगर निगम कमिश्नर से मिलने गए थे, पर उन्होंने डुल मूल रवैया से जवाब दिया है। जब उनका रवैया ऐसा है और यहाँ की जनता जो कल रात को एक बारिश के अंदर यहाँ कई लेडीजें गिर गई है, बच्चे गिरे, उसी को लेके मतलब ये जो यहाँ की जनता का आक्रोश और कुछ लोगों को ही हम लोगों ने बुलाया, पूरे एरिया के लोगों को तो अभी बुलाया भी नहीं। अगर मान लो आज भी निगम प्रशासन या जिला प्रशासन की नींद अगर आज भी नहीं खुलती है तो ये पूरा एरिया इस रोड पे तो ठीक है, नगर निगम के धरने गेट के ऊपर धरना देंगे पूरे यहाँ के एरिया के लोग कांग्रेस जन। और मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी क्योंकि जो रतलाम की समस्या रोज अनाउंसमेंट हो जाता कि आज पानी नहीं मिलेगा। कल भी मेरे कुछ भाइयों ने वहां जाके प्रदर्शन किया था, जो एक पेलेंटी रूप पैसा ले रहे हैं पर 8 दिन में एक बार जनता को पानी दे रहे हैं। अगर यही रवैया नगर निगम और यहाँ के विधायकों का रहा है तो हम बता देंगे कि रतलाम की जनता में कितनी ताकत है और एक बुलंद आवाज होके यहाँ की आवाज उठाएंगे तब जाके इनकी नींद खुलेगी। पश्चिम रेलवे के मुंबई दिल्ली रेलखंड के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माने जाने वाले रतलाम रेलवे स्टेशन पर बीती रात से ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ। आम यात्रियों के लिए लगभग 70 दिन बाद शुरू हुई यात्री ट्रेन के रतलाम आने से 70 दिन से सुनसान पड़े रेलवे स्टेशन पर काफी चहल पहल दिखाई दी। कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हुई यात्री ट्रेनों को रेलवे ने 1 जून से पुनः प्रारंभ किया। देश भर में रेलवे ने करीब 200 स्पेशल ट्रेनें चलाई। इन्हीं में से एक बांद्रा अमृतसर के बीच चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन बीती रात रतलाम पहुंची। लॉकडाउन के बाद रतलाम पहुंचने वाली यह पहली आम यात्री ट्रेन थी। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। यात्रियों के मुंह पर मास्क अनिवार्य था। इसके साथ ही यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई। सभी यात्रियों को ट्रेन में से उतरने और चढ़ने के दौरान 2 गज की दूरी का ध्यान भी रखने को कहा गया था। बिगड़ती आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लॉकडाउन में राहत दी गई है। नए आदेश से शहर के व्यापार व्यवसाय के लिए समय तय कर दिया गया है, लेकिन शहर में लगने वाले हाट ठेलों पर पानी पतासे वालों के सामने अब भी समस्या खड़ी है। बताया जाता है कि तय समय में होम डिलीवरी कर पानी पतासे बेचने वाले जब अपना व्यापार शुरू करते हैं तो चीता और पुलिस अनुमति की बात कहकर दुकानें बंद करवा देते हैं। अपनी समस्या और आर्थिक संकट से जूझ रहे इन छोटे व्यापारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अनुमति की मांग की है। हाँ साहब, अनोखीलाल मोदी, क्या समस्या चल रही है? हाँ साहब, हम पानी पतासा का छोटा सा व्यापार करते हैं साहब। अभी हम 2.5 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी धंधा हमने 1-2 दिन से चालू किया तो हमको प्रशासन भी परेशान कर रहा है कि आप यहाँ पर ठेला मत लगाओ, ये मत लगाओ क्या। इसलिए गुजारिश है हमारा वो कि हमारे को मतलब धंधा चालू किया जाए, हम ठेला गाड़ी पे से होम डिलीवरी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कहाँ लगाया था आपने ठेला? हाँ सर, हम बाज़ार में लगा रहे सर, बाजना बिस्टन वगैरह बाजना स्टैंड पर। हाँ सर, कितना धंधा होता था रोज आपका? अभी तो साहब हमारा 200-400 रुपये का व्यापार भी नहीं हो रहा था। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि साहब हमको मतलब प्रशासन से ये है कि छूट दी जाए कि मतलब हम धंधा कर सकें, टाइम टेबल भी बताया जाए, उस हिसाब से हम धंधा कर सकते हैं।
बीच में आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया था प्रशासन को, तो कोई उसका रिप्लाई वगैरह कुछ आया क्या? उसका कुछ भी नहीं आया साहब हमारे पास।